हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा 6th एपिसोड फ्री अफिलिएट मार्केटिंग सीरीज का, जहाँ पर मैं आपको फ्री में अफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। जो लोगों ने मेरे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, तो भाई लाइन वाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हो। तो आज का जो 6th एपिसोड है, उसमें मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि कैसे गूगल एड्स अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। और सिर्फ क्रिएट करना ही नहीं सिखाऊंगा, उसी के साथ साथ मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लोग को 20,000 रुपीज फ्री में मिलेंगे एड रन करने के लिए। जी हाँ, वो भी गूगल की तरफ से, बट उसकी एक शर्त है, वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और बनाते हैं गूगल एड अकाउंट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं स्क्रीन पर। सिंपली आप लोग को यहां पर सर्च करना है गूगल एड्स, उसके बाद सबसे पहले लिंक पर आप लोग को जाना है, ये वाली गूगल एड्स इंडिया, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आप लोग देख सकते हैं ऊपर ही लिखा है, टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद गूगल एड्स वी विल गिव यू 20,000 रुपीज इन फ्री एड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड 20,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि भाई गूगल एड्स जो है ना, आपको 20,000 रुपीज फ्री में देगा एड को रन करने के लिए, लेकिन शर्त ये है कि पहले आपको 20,000 रुपीज स्पेंड करना होगा गूगल एड्स पर, यानी कि आपको 20,000 रुपीज की एड पहले चलाना है, उसके बाद ही आपको 20,000 रुपीज फ्री में मिलेंगे गूगल एड्स की तरफ से। शॉर्ट में कहूँ तो 20,000 रुपीज डाल के आप 40,000 रुपीज की एड रन कर सकते हो। पहले ये 2,000 रुपीज था, अब गूगल ने इसको बढ़ा के जो है 20,000 रुपीज कर दिया, जो कि काफी अच्छी बात है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप गूगल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो फायदा भी उठाओगे, तो ये 20,000 रुपीज आपको यूज करना ही है। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं, बस उसे फॉलो करो, आपका गूगल एड अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ आपको 20,000 रुपीज भी फ्री में मिल जाएंगे। तो जब आप इस साइट पर आओगे तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, आपको लॉगिन करना है, लेकिन याद रखिए आपको न्यू ईमेल यूज नहीं करना है। मतलब कि आप जब गूगल एड अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जीमेल पर जाओ और वहां पर एक न्यू ईमेल क्रिएट करो, बिकॉज ये थोड़ा स्पैमी होता है, चांसेस है कि आपका गूगल एड अकाउंट बैन हो जाएगा। आपका जो पुराना ईमेल है जो आप यूज करते आए हो, भले वो 1 महीना पुराना हो या 4 साल पुराना हो, आप उसे ही यूज करो। जितना पुराना होगा उतना ट्रस्ट ज्यादा होगा उस ईमेल पर, और उतना चांस है कि आपका गूगल एड अकाउंट बैन नहीं होगा। तो आइए अब मैं लॉगिन कर लेता हूं, और ये कर लिया मैंने लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करोगे आप इस पेज पर आ जाओगे। अब यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहां पर क्लिक करना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ठीक है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे जो कि कैंपेन क्रिएट करने को लेके होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डेमो कैंपेन क्रिएट करना है। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस वाले पर क्लिक कीजिए, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, वीडियो वाले सेक्शन को सिलेक्ट करो और कंटिन्यू पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ बस सिंपल फॉलो करो, बिकॉज हम लोग एड क्रिएट नहीं कर रहे, ये जस्ट एक डेमो एड है, मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा। हम इसे इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज हमें 20,000 रुपीज वो फ्री में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कैंपेन बजट मैं लगा देता हूँ 500 रुपीज, ठीक है, आप कुछ भी लगा दो, पैसे अभी नहीं कटेंगे आपके अकाउंट से, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लो और ये सब ऐसी के ऐसी ही रहने दो, ओके। यहाँ पर कोई भी आपको YouTube वीडियो के लिंक पेस्ट करना है तो आप लोग जाइए YouTube पर, कोई भी एक वीडियो की बस लिंक को कॉपी कर लो जो भी होम पेज पर आ जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी लिंक, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। स्किपेबल ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगेन सेम URL जो हमने कॉपी की वो पेस्ट करना है। कॉल टू एक्शन पर जाना है, यहाँ पर हमें लर्न मोर बटन पर क्लिक करना है और बिड में जो है हम 5 रुपये रख देंगे और क्रिएट कैंपेन पे हमें क्लिक करना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे ही हम क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर बिलिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है, अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना है, मेरा ऑलरेडी किया हुआ है इंडिया। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लिख कर आ चुका है, ऑफर सक्सेसफुली अप्लाइड, यू विल रिसीव अ 20,000 रुपीज क्रेडिट वैन यू स्पेंड 20,000 रुपीज। यहाँ पर वो यही कह रहा है कि आप जब 20,000 रुपीज खर्चा कर दोगे गूगल एड्स पर, जब आप 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दोगे तो गूगल एड आपको फ्री में 20,000 रुपीज देगा, है ना, बढ़िया बात। अब यहाँ पर अकाउंट टाइप पर आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मनी ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग, ऐड पेटीएम वॉलेट। फिलहाल मैं पेटीएम वॉलेट पर जाता हूँ और यहाँ पर पेटीएम का नंबर डालूंगा, OTP डालूंगा और ये पेटीएम से कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो डेबिट कार्ड के साथ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के साथ, आपकी मर्जी, ओके। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ओके। सो मैंने अपना OTP डाल दिया, आप लोग भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नेम और अपना एड्रेस डालना है, घर का एड्रेस भी डाल सकते हो और ऑफिस का भी, जैसा आप चाहे। पिन कोड और स्टेट हो गया हमारा महाराष्ट्र, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पेमेंट अमाउंट ऐड करना है, मिनिमम 500 रुपीज़ जो है गूगल ऐड के वॉलेट में ऐड होते हैं, तो आपको 500 रुपीज़ ही ऐड करना है, ओके। उससे कम आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए कि समझ लो कि आप 500, 2,000 रुपीज़ जितना भी आप ऐड करते हो। अब अगर आपको वो 500, 2,000 रुपीज़ वापस चाहिए
तो गूगल एड आपको दे देगा। जी हाँ, लेकिन कब देगा? आपको गूगल एड अकाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो। अब अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो गूगल एड्स की मदद से, तो आप इन्वेस्ट तो करोगे, विदाउट इन्वेस्टमेंट तो आप प्रमोट कर नहीं पाओगे। तो कैंसिल की कोई बात ही नहीं आती है, और कोई भी जल्दी कैंसिल नहीं करता है जब तक गूगल एड अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए। मैं ऐसे ही करता हूं, अगर मेरा गूगल एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और मेरे वॉलेट में 2-3 हज़ार रुपए रह जाते हैं जितने भी, तो मैं कैंसिल अकाउंट करता हूं तो मेरे सारे पैसे वापस आ जाते हैं। तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर वो है 500 रुपीज़, तो मैं 500 रुपीज़ ऐड करता हूँ। ठीक है, वैसे अभी फिलहाल पैसे नहीं कटेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग बस 500 लिख दो और सबमिट पर क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लोर योर कैंपेन पर आपको क्लिक करना है। सो फाइनली गाइज, हमारा गूगल एड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स पर, और यहाँ पर समरी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अवेलेबल फंड्स 0 रुपीज़। आप लोग सोच रहे होंगे, भाई आपने तो 500 रुपीज़ ऐड किए थे। तो मैंने आप लोग से कहा कि वो टाइम वो पैसे नहीं कटते, वो जस्ट आप 500 डालो या 1000 डालो, पैसे नहीं कटेंगे। अब अगर आपको वॉलेट में ऐड करना है तो यहाँ पर आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा पेटीएम वॉलेट जो है गूगल ऐड से कनेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ डालता हूँ और मेक अ पेमेंट पर क्लिक करता हूँ, तब मेरे पेटीएम से, तब मेरे बैंक अकाउंट से जो है 500 रुपीज़ कट हो जाएंगे। बट फिलहाल मैं ऐड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आपको ऐड करना पड़ेगा। वो हम अगली वीडियो में जानेंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं प्रमोशन टैब पर। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लिखकर आ गया योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, वो इसीलिए बिकॉज अगर आप लोग देखोगे तो मैं टीम व्यूअर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये किसी और का लैपटॉप है और वो लैपटॉप मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ जहाँ पर मेरा गूगल एड अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। अब मैं उसी लैपटॉप में वही सेम इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके मैंने वहाँ पर न्यू ईमेल क्रिएट किया। ये जो आप लोग ईमेल देख रहे हो ये मैंने अभी अभी बनाया हूँ। मैंने आप लोग से कहा कि आपको न्यू ईमेल नहीं बनाना है, बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मुझे बस आपको समझाना है। तो इसीलिए मैंने ये लैपटॉप का यूज़ किया, क्योंकि मेरे लैपटॉप में गूगल ऐड चालू है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। बिकॉज गूगल ऐड अकाउंट एक लैपटॉप में एक ही बार बनाया जाता है, अगर आप डबल ट्रिपल बनाओगे तो आपका गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वो वाला लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ जो लैपटॉप में ऑलरेडी गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड है। ठीक है, एनीवेज ये मुझे पता था सस्पेंड हो जाएगा बिकॉज डिटेक्ट कर लिया गूगल ने। आपका ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने बताया बस आपको वैसा करना है। ठीक है, नीचे आप लोग देख सकते हैं गेट 20,000 क्रेडिट फॉर स्पेंडिंग 20,000 ऑन गूगल एड्स। तो ये हमारा कूपन कोड है। ठीक है, ये ऐड हो चुका है। अब देखो प्रमोशंस में जो है ना, ये कूपन कोड अप्लाई हो चुका है। अब ये 20,000 रुपीज़ आपको कब मिलेंगे? आपको यहाँ पर आना है समरी पर। ठीक है, यहाँ पर आपको 500 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपीज़, जितना भी आपको करना है। फिर आपको एड्स रन करना है। कब तक करना है? जब तक कि आप टोटल अपने को, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक कैंपेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो 10 कैंपेन बनाओ, एट द एंड आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट पर 20,000 रुपीज़ स्पेंड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 20,000 रुपीज़ ऐड करोगे, फिर उसको स्पेंड कर चुके होगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पर 20,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। मतलब वही बात हो गई, 20,000 रुपीज़ आपने डाले और 40,000 रुपीज़ के आपने ऐड चलाए। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये जो वीडियो था वो खास तौर पर इसी को लेकर था कि भाई गूगल एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैंने आप लोग को बता दिया, और 20,000 रुपीज़ आपको फ्री में कैसे मिलेंगे वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब अगर आपको कुछ भी इशू आता है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ये रही मेरी आईडी। सो गाइज, अभी तक जो लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि अगला वीडियो बहुत धमाल आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक सेकंड, आपने जो कैंपेन रन किए थे ना इससे याद से आपको स्टॉप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कैंपेन्स पर आना है और यहाँ पर ग्रीन पर क्लिक करना है। ठीक है, एडिट पर, और इसको जो है या तो पॉज करना है या तो रिमूव करना है। मैं रिमूव कर दूंगा और ये हो गया कन्फर्म। ठीक है, तो हमने जो ऐड चलाए थे ना डेमो, वो स्टॉप हो गई। बस यही तक था वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो यहाँ तक के देखने के लिए। अगले वीडियो का वेट कीजिए, बहुत ही जल्द आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय।